ओके तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रेप्लिकेशन और बाइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा था कि हम कैसे साइट्स क्रिएट करते हैं, कैसे सर्वर्स ऐड करते हैं, कैसे हम साइट लिंक के थ्रू दोनों साइट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आज पढ़ेंगे अलग कॉन्सेप्ट, आज पढ़ेंगे हम ग्रुप पॉलिसीज के बारे में। ग्रुप पॉलिसी, ओके। अब अगर आप ग्रुप पॉलिसी की बात करते हो, ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी क्या है या क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जब आपको डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हो, या कह लो कि आप जब डोमेन नेटवर्क पे आते हो, तो ग्रुप पॉलिसी क्या आपका एक फीचर है, ठीक है, जो सर्वर्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब विद इन, मतलब ये आपका डोमेन की फीचर की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका वर्क ग्रुप में नहीं होता, वर्क ग्रुप में होता है। अगर आपका सर्वर वर्क ग्रुप में है तो वहां पे लोकल पॉलिसीज का यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये मेरा सर्वर है, ओके, ये मेरा सर्वर हो गया। अगर ये वर्क ग्रुप में है, मान लो ये मेरा सर्वर है 2019 सर्वर, ठीक है, ये मेरा 2019 सर्वर है मान लो, ओके। एंड इसके अंदर ये क्या आपका वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, ओके। तो अगर ये वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, तो उस केसेस में अगर ये वर्क ग्रुप में काम कर रहा है मान लो, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होती है आपकी, यहाँ पे आपकी लोकल पॉलिसीज काम कर रही होती है। अंडरस्टैंड दिस, तो यहाँ पे आपकी लोकल पॉलिसीज काम कर रही होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं एलपीओ, लोकल पॉलिसीज ऑब्जेक्ट। तो जब आपका सर्वर वर्क ग्रुप में होता है, जब आपने सर्वर में डोमेन, जब आपने सर्वर को डोमेन पे लेके आते हैं, अब मान लो आपने क्या किया, इसको वर्क ग्रुप को रिमूव कर दिया, यहाँ से आपका वर्क ग्रुप खत्म हो गया। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एडी इंस्टॉल करी, ठीक है, और आपने इसको, आप इसको डोमेन पे लेके आओगे, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से कुछ, अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने यहाँ पे एडीएस वगैरह इंस्टॉल कर लिया, एडीएस इंस्टॉल किया, डीएनएस इंस्टॉल किया, कंफिगर किया, तो ये भी ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका डोमेन बन जाएगा, ये आपका मान लो डोमेन कंट्रोलर बन गया, ठीक है, ये डोमेन नेटवर्क में आ गया, डोमेन आ गया, इसमें आपने मान लो दे दिया abc.local के नाम से, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डीसी बन जाएगा, मान लो ये मेरा डीसी बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डोमेन के अंदर आएगा, तो ये जो आपकी जो लोकल पॉलिसीज हैं, वो रिप्लेस होके क्या हो जाएंगी, ये रिप्लेस होके क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी ग्रुप पॉलिसीज, इसको हम बोलते हैं जीपीओ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से काम होता है आपका, ओके। तो ग्रुप पॉलिसी क्या आपका फीचर है, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपका डोमेन में मिलेगा। अब ये करती क्या है, उसकी हम बात करते हैं। आपको अगर अपने यूजर अकाउंट्स को और कंप्यूटर अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज यूज टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे लिख सकते हो कि इट इज यूज टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रेस्ट्रिक्ट यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, इसका मेनली काम ही होता है। ये क्या करती है आपकी, ये आपके कंप्यूटर अकाउंट्स और यूजर अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी ग्रुप पॉलिसी का, ठीक है। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलाउ करती है कि भाई आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू अपने यूजर अकाउंट्स और कंप्यूटर अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कैसे, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे जो यूजर अकाउंट्स है वो मेरे मेरे नेटवर्क पे लॉग इन कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर अकाउंट है वो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर पाए या एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर पाए मेरे नेटवर्क में, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर अकाउंट है वो कोई अनइंस्टॉल ना कर पाए प्रोग्राम कंट्रोल पैनल के थ्रू, ठीक है, वो कोई सेटिंग्स चेंज ना कर पाए मेरे वर्क स्टेशन या मेरे क्लाइंट्स मशीन्स की, ठीक है, वो शट डाउन ना कर पाए मेरे क्लाइंट्स को, ठीक है, इस तरीके से, ओके, वो कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉलिसीज के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर अकाउंट्स को, ठीक है, ये आपकी पॉलिसीज हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके एडी में या डोमेन की बात कर लो, दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी पॉलिसीज, जिसकी हमने बात करी अभी, ग्रुप पॉलिसीज, एक होती है आपकी परमिशंस। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है, जो आपकी फाइल सिस्टम के बेस पे होती है, एंटीवायरस परमिशन। तो ये दोनों आपकी अलग अलग चीजें। तो अगर मैं बात करूं पॉलिसीज और परमिशंस की, तो पॉलिसीज के थ्रू हम पॉलिसी डिफाइन करते हैं कैसे, जैसे आप कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाओ, ठीक है, आप रन कमांड एक्सेस ना कर पाओ, आप डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज ना कर पाओ, आप कोई सेटिंग्स चेंज ना कर पाओ मेरे माइंड से, ठीक है। परमिशंस में क्या होता है, हम एंटीवायरस परमिशंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे रीड राइट फुल कंट्रोल मॉडिफाई पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और मुझे उन उन यूजर्स पे परमिशंस लगानी है किसी पर्टिकुलर फाइल पे या फोल्डर पे, तो हम परमिशंस पे जाएंगे, वहां पे हम रीड की राइट की फुल कंट्रोल मॉडिफाई ऐसे परमिशंस का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो परमिशन लगती है आपकी फाइल लेवल्स पे और पॉलिसी लगती है आपकी यूजर अकाउंट्स और कंप्यूटर अकाउंट्स पे, आपके सर्वर लेवल की सेटिंग्स, मतलब कंप्यूटर सेटिंग्स पे, यूजर सेटिंग्स पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? हाँ, मतलब जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपने फाइल डाली हुई है, अब आपको परमिशन देनी है किसी पर्टिकुलर यूजर को कि भाई वो ये इस फोल्डर को सिर्फ रीड कर पाए, ना मॉडिफाई कर पाए, ना डिलीट कर पाए, ना कुछ होगा कुछ और कर पाए, तो उसको बोलते हैं परमिशन। पॉलिसी हो गया यूजर्स ग्रुप एंड हाँ, मतलब पॉलिसी होती है आपकी सेटिंग्स पे, मतलब जो आपकी कंप्यूटर की सेटिंग्स होती है, ठीक है, या आपने आपका मतलब कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पा रहे, आप रन कमांड एक्सेस नहीं कर पा रहे, डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज नहीं कर पा रहे, तो ये इस तरीके से पॉलिसी अप्लाई होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें और, ठीक है, तो इस तरीके से, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ग्रुप पॉलिसी की बात करूं तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, आपके पास क्या होते हैं ग्रुप पॉलिसी के कंसोल्स होते हैं, हमारे पास ग्रुप पॉलिसी कंसोल्स, ठीक है। आप ग्रुप पॉलिसी कंसोल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला होता है आपका, पहला आपका टूल होता है, टूल एंड कंसोल्स बोल दो इसको, ठीक है। ठीक है, अब जैसे पहला होता है उसको बोलते हैं जीपीएमसी, ये एक आपका कंसोल है, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ये आपका कंसोल है जिसके थ्रू हम ग्रुप पॉलिसीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हमें अगर ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल का, इसको बोलते हैं जीपीएमसी, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। दूसरा होता है एक हमारे पास जिसको बोलते हैं जीपीएमई, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलिसीज को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैनेज कर सकते हैं पॉलिसीज को। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज को मॉडिफाई करते हैं। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी मॉडिफाई करनी है तो मुझे कहाँ पे क्या ओपन क्या करना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर को ओपन करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब आप अपने पॉलिसी पे राइट क्लिक करके उसको एडिट करते हो, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर ओपन हो जाता है, इसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्रिएट डिलीट द पॉलिसीज एंड मैनेज ठीक है, और इसके थ्रू हम सिर्फ एडिट द पॉलिसीज, ठीक है, एडिट द पॉलिसीज, ठीक है, ये कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है, तो कंसोल होते हैं। ओके, अब एक चीज रखना, जब आप पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, तो आप अपनी पॉलिसी कंप्यूटर अकाउंट पे भी लगा सकते हो और यूजर अकाउंट पे भी लगा सकते हो, मतलब आप अपने वर्क स्टेशन पे भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने एम्प्लॉयज जो आपके यूजर अकाउंट्स हैं उन पर भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पॉलिसी आपकी दो जगह इंप्लीमेंट होती है, यूजर अकाउंट्स पे और कंप्यूटर अकाउंट्स, ठीक है। तो वी कैन इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसीज ऑन यूजर्स एंड कंप्यूटर अकाउंट, सिंपल, ठीक है। आप फाइल और फोल्डर में पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई ग्रुप पॉलिसी
ओनली ऑन यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट. ओके, नॉट ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स. ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको पॉलिसी अप्लाई करनी है, अगर आपको ग्रुप पॉलिसी लगानी है, तो हम सिर्फ किसको लगाएंगे? यूजर्स को और कंप्यूटर अकाउंट्स को. ठीक है, फाइल और फोल्डर में कभी हम पॉलिसी अप्लाई नहीं करते. फाइल और फोल्डर में क्या अप्लाई करते हैं? परमिशंस. ठीक है, और किसके थ्रू लगाते हैं हम पॉलिसीज? ये ध्यान रखना, वी कैन अप्लाई पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज थ्रू OU and sites. OU and sites. ठीक है, we can apply group policies through OU and site. मतलब आपका जो OU होते हैं और जो sites होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम ग्रुप पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं. किस पे? किसके थ्रू करते हैं? OU sites के थ्रू करते हैं. किसके ऊपर करते हैं? यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे ग्रुप पॉलिसी लगानी है, ये मेरा सर्वर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक वो बनाएंगे, एक पहले OU बनाएंगे. यहाँ मान लो मैंने OU बना दिया. ठीक है, अब इस OU के अंदर हम क्या रखेंगे, यूजर्स को मूव कर देंगे. इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर्स को मूव कर देंगे. जैसे मान लो मेरे दो यूजर है, यूजर वन और यूजर टू. ठीक है, उसके बाद हम पॉलिसी बनाएंगे. ये मान लो मेरी पॉलिसी है. ठीक है, इसको अप्लाई क्या करेंगे, इस ओयू पे. तो क्या होगा, जब आप इस पॉलिसी को इस ओयू पे अप्लाई करोगे, तो इस ओयू के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे या कंप्यूटर अकाउंट्स होंगे, उस पर पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी. आया समझ में? क्लियर है? इस तरीके से. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था, प्रैक्टिकल छोटा सा देख लेते हैं. देखो कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, अपने लैब पे आते हैं. ठीक है, तो हमने लैब एक्सेस कर लिया, मेरी लैब है. ठीक है, इसको ओपन करते हैं. दिन पहले हम अपना सर्वर इंस्टॉल कर स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास एक सर्वर था. हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है 2019 पे, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं. एंड एक हमारे पास क्लाइंट भी होगा, क्लाइंट भी देख लेते हैं. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ये हमारा पीडीसी है. एक बार हम इसको लॉग इन कर लेते हैं. ठीक है, हमारा सर्वर लॉग इन हो गया. ठीक है, ये हमारा सर्वर है पीडीसी. एक बार क्लाइंट भी देख लेते हैं. ठीक है, हमें क्लाइंट की नहीं पड़ेगी, जो टेस्टिंग करेंगे वो क्लाइंट साइड पे करेंगे. ठीक है, तो क्लाइंट भी स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये हमारा पीडीसी है, स्टार्ट हो गया. ये मेरा क्लाइंट है, मैंने स्टार्ट कर लिया. ठीक है, नाउ यहाँ से हम बनाते हैं. देखो जैसे यहाँ पे आओ स्टार्ट पे. ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिन टूल्स का ऑप्शन आता है. ठीक है, पहले हम ये करते हैं, पहले हमें ओयू बना लेते हैं. ठीक है, और ओयू के अंदर दो तीन यूजर्स ऐड कर, या दो यूजर्स ऐड कर लो आप. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे यूजर यूजर एंड कंप्यूटर्स पे आते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करते हैं टूल को. नाउ यहाँ पे हम यूजर ओयू क्रिएट करते हैं. पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ. ठीक है, एक बनाता हूँ न्यू पे जाके, ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, मान के चलो आईटी ओयू के नाम से. ठीक है, ओके, और देखो ये आपका आईटी ओयू बन गया. अब इस आईटी ओयू के अंदर यूजर्स क्रिएट करते हैं. अगर मान लो आपके यूजर्स बाहर पड़े हैं, आप उसको मूव कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर भी यूजर क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आईटीयू पे, यहाँ पे न्यू पे जाओगे और देखो यूजर का ऑप्शन आ रहा है. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी यूजर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने बनाया एक U1 के नाम से यूजर क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, एक U1 के नाम से बना लेते हैं यूजर. पासवर्ड दे देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं. एक U1 आ गया, एक U2 बना लेते हैं सही से. मैं पासवर्ड दे दूं. ओके, इसको अनचेक कर दो.
नाउ नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे यहाँ पे YouTube, यहाँ पे दोनों यूजर्स आ गए। ठीक है, अगर मान लो कि यूजर्स आपके यूजर वाले कंटेनर में पड़े होते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करो सिंपल और मूव कर दो यूजर्स को। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, मूव का ऑप्शन आता है आपके पास, ये देखो मूव, मूव करके आपने जहां भी यूजर को रखना है वहां पे उसको कनेक्ट कर लो, आप मतलब क्लिक कर लो जिस भी कंटेनर आप यूजर को रखना है। ठीक है, तो मुझे अभी यूजर्स कहाँ पे चाहिए, आईटी ओयू के अंदर ही चाहिए, तो वो ऑलरेडी है आईटी ओयू के अंदर दोनों यूजर्स U1 U2। अब क्या करेंगे हम, अब हम पॉलिसी कहाँ पे लगाएंगे, आईटी ओयू पे, तो वो पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली आपके यूजर्स पे लग जाएगी। ठीक है, चेक करो, इसे क्लोज करते हैं पहले। ओके, और यहाँ पे एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं, अब यूजर से लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहाँ पे एक बार जाओ साइन आउट, साइन आउट करो पहले। साइन आउट एनीवे, और एक बार यहाँ पे करो U1, हमारा यूजर का नाम क्या था U1, यहाँ पासवर्ड डालो, एक बार चेक करो। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप का इशू आ रहा है। ओके, तो एक मिनट एक काम करते हैं, पहले मुझे पता चला एक्चुअली ये आपके पुराने वाले डोमेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक बार दोबारा से ज्वाइन करते हैं डोमेन में अपने क्लाइंट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने पहले बनाया था abc.local, इससे पहले बनाया था, ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको हमने नया बनाया था pdc, तो इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्लाइंट वन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्क ग्रुप करते हैं, इसको पहले वर्क ग्रुप में लेके आते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको कनेक्ट करेंगे डोमेन के। ओके, करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपने अपने डोमेन का क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दो, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई है, क्योंकि ये आपके किसी पीछे डोमेन का डोमेन डोमेन से कनेक्टेड था, जो पहले था हमारा abc.local, इसलिए उससे लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो मुझे दोबारा से इसको वर्क ग्रुप में लाके दोबारा से इसको कनेक्ट ऐड करना पड़ेगा डोमेन के अंदर। ठीक है, ये हमने नया सर्वर बनाया था, एक बार रजिस्टर्ड हो जाए ट्राई करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप एक बार इसका कंप्यूटर अकाउंट खुल जाना चाहिए, जो आप एडी यूजर कंप्यूटर ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंप्यूटर अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए विंडोज क्लाइंट का, तो कंप्यूटर अकाउंट में जाओगे, देखो अभी तक ओपन नहीं हुआ इसलिए वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, अभी वर्क ग्रुप में है, इसको पहले क्या करना है, इसको पहले अभी डोमेन में लेके आना है, तो अभी आपका वर्क ग्रुप में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको डोमेन में लेके आता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ कनेक्टिविटी हमारी चल रही है। अगर मैं पिंग करूँ यहाँ से abc.local को, तो यह मेरे को दिखा रहा है मेरा डोमेन पीडीसी का IP एड्रेस। ठीक है, तो हमारा DNS प्रॉपरली काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसकी दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाओगे अगेन, और यहाँ पे इसको चेंज करोगे, अब इसका नाम क्या है, क्लाइंट वन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल चेंज करोगे। अब चुप हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे आप लिखो abc.local। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वही क्रेडेंशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर और देन abc@123। ओके, ठीक है, ना ये आपका डोमेन के अंदर आ गया। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पे इसको, ओके, और इसको यहाँ पे रीस्टार्ट कर देंगे, और ये आपका डोमेन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे देखना, आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करो, और देखो अब एक क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो गया, इट मींस कि अब ये क्लाइंट आपका इस डोमेन से रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन कर सकते हो आप लोग, कहाँ पे जाओगे, ओपन करोगे एक्टिविटीज एंड कंप्यूटर्स, उसमें कंप्यूटर्स कंटेनर का एक ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइस होंगे जो आपके डोमेन में ऐड होंगे उनके सबके अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो एक बार रिस्टार्ट हो रहा है, इसको रिस्टार्ट होने से आपका ऑटोमेटिक आएगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको जो यूजर्स होते हैं वो यूजर्स कंटेनर में ही क्रिएट होते हैं, मतलब यहाँ पे ही होते हैं आपके क्रिएट यहाँ पे यूजर्स पर। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ओयू के अंदर क्रिएट करना है, तो फिर आप ओयू पे राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हो यूजर्स, जैसे मैंने किया। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ क्लाइंट पे आ जाओ, हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं, आप चेक करते हैं एक बार U1 से, अब ये लॉग इन हो जाना चाहिए, चेक करो, हो गया लॉग इन आपका U1, इट मीन्स कि हमारा क्लाइंट ऐड हो गया डोमेन के अंदर। ठीक है, वो मेरे डोमेन के यूजर को लॉगिन कर पा रहा, U1 को लॉगिन कर पाया वो। ठीक है, अब लगाते हैं पॉलिसीज। देखो अब यहाँ पे क्या, अभी हमारा बेसिक नेटवर्क कंप्लीट हो गया, अब आते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे। ठीक है, अब आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन करना है, दो तरीके हैं, या तो मैं
एडमिन टूल्स में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, यहाँ से ओपन कर लो ठीक है, या फिर रन पे जाओ और कमांड लिखो gpmc.msc ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल डॉट माइक्रोसॉफ्ट कंसोल मैनेजमेंट डॉट एमएससी ठीक है, ये आपकी कमांड है gpmc.msc। ओके करोगे इसको तो आपका देखो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन हो गया ठीक है। ठीक है जी, आया समझ में? तो ये आपका ओपन हो गया, देखो ये आपका ऐसा दिखेगा। अभी आपको यहाँ पे फॉरेस्ट दिखा रहा है, दिखा रहा है फॉरेस्ट क्या है मेरा, एबीसी डॉट लोकल ये फॉरेस्ट का नाम मेरा, इसको एक्सपेंड करो। यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, डोमेन्स को एक्सपेंड करो। यहाँ पे देखो एबीसी डॉट लोकल दिखा रहा है अगेन, क्योंकि मेरे फॉरेस्ट का जो मेरा डोमेन का नाम है वो भी एबीसी डॉट लोकल ही है अभी, मतलब अपने पेरेंट डोमेन पे ही काम कर रहा हूँ ठीक है। ओके अब दाओ उसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे देखो आपको एबीसी डॉट लोकल दिखा के बाकी नीचे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है आपको। अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे ITOU भी दिखा रहा है, दिखा रहा ITOU ठीक है, जो हमने वहां बनाया था एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स के थ्रू बनाया था ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने U1 U2 को भी ऐड किया, मतलब मूव किया हुआ, ऐड किया हुआ ITOU के अंदर ठीक है, यूजर अकाउंट्स को। तो यहाँ पे आपको ITOU दिखा रहा है। अब मुझे पॉलिसी कहाँ पे लगानी है, मुझे पॉलिसी लगानी है ITOU पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ITOU पे और यहाँ पे क्रिएट अ पॉलिसी, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन ठीक है, ये पॉलिसी लगा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को एक पॉलिसी लगानी है कहाँ पे, इस ITOU पे ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे, जहां पे आपको पॉलिसी लगानी है वहां पे आप राइट क्लिक करो। जैसे मान लो अगर आपको आपको ये पॉलिसी पूरे डोमेन पे लगानी है, मान लो मुझे ये पॉलिसी आपकी पूरे डोमेन पे एबीसी डॉट लोकल पूरे पे लगानी है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और पॉलिसी बनाऊंगा ठीक है। अगर मान लो आपको पॉलिसी सिर्फ एक पर्टिकुलर OU पे लगानी है, तो राइट क्लिक करो OU पे और पॉलिसी बनाओ। आ समझ में? ठीक है, इसका नाम देते हैं पॉलिसी वन के नाम से दे दो नाम मान लो ठीक है। ओके करेंगे यहाँ पे इसको, तो देखो ये आपकी एक ऑटोमेटिकली एक पॉलिसी देखो इसके अंदर बन जाएगी, बन गई ITOU के अंदर एक पॉलिसी बन गई आपकी, देखो बन गई ना पॉलिसी ठीक है। अब देखो आपको लिंक्स में दिखा रहा है कि ये पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई है, एबीसी डॉट लोकल के अंदर जो ITOU है उस पे पॉलिसी अप्लाई है ठीक है, तो इसको आपको लिंक में दिखाया था लिंक्स में कि ये पॉलिसी आपकी यहाँ पे अप्लाई है। आया समझ में? आज तक क्लियर है? ठीक है, नाउ इसको राइट क्लिक करो। अब इसको हम एडिट करेंगे पॉलिसी को। अब मुझे पॉलिसी के अंदर डिफाइन करने हैं सेटिंग्स कि मेरे को किस किस क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपने अप्लाई करनी है, तो इसको एडिट करोगे यहाँ पे तो देखो क्या खुल गया आपका, मैंने क्या बताया था वो क्या खुल जाता है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर खुल गया आपका एडिटर ठीक है। यहाँ से आप पॉलिसी को एडिट कर सकते हो ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है दो चीजें, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने पॉलिसी कहाँ लगानी है, अगर आपने पॉलिसी यूजर्स पे लगानी है तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, अगर आपने पॉलिसी कंप्यूटर्स पे लगानी है डिवाइसेस पे लगानी है तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे ठीक है। तो अभी हम पॉलिसी कहाँ लगा रहे हैं, यूजर्स पे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे किया, देन पॉलिसीज एक्सपेंड किया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आ जाओ, टेम्पलेट्स में आ जाओ सॉरी। यहाँ पे हम दो काम करेंगे, एक तो हम कंट्रोल पैनल ब्लॉक करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूजर है वो कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए, तो मैं कंट्रोल पैनल में आता हूँ, ये रहा कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो बस ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स, या सॉरी ये आ गया आपका प्रोवाइडेड एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो यूजर है वो कंट्रोल पैनल या पीसी सेटिंग्स को ओपन ना कर पाए ठीक है, इन दोनों को ओपन ना कर पाए, कंट्रोल पैनल को भी ओपन ना कर पाए और पीसी सेटिंग्स को भी ओपन ना कर पाए। तो मैं करेंगे यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, देखो अभी ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से अभी क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड मतलब ये आपकी सेटिंग्स इस पे अप्लाई नहीं है। अब इस पे राइट क्लिक करो, एडिट करो और इसको यहाँ पे आप एनेबल कर दो, दैट्स इट अप्लाई। ओके ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग्स आपने ये पॉलिसी के अंदर अप्लाई कर दी। ऐसे ही हमारी एक पॉलिसी के अंदर 65,535 सेटिंग्स होती हैं, इतनी सारी सेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं एक पॉलिसी के अंदर ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको अप्लाई करना आप कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मेरा जो यूजर है वो कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए, तो मैंने उसके लिए इसको एनेबल कर दिया। नाउ उसके बाद मैं इसमें आता हूँ स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार पे ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर है वो रन कमांड एक्सेस भी ना कर पाए। जैसे हम विंडोज आर प्रेस करते हैं, मैं रन हो जाता है ना, देखो ऐसे खुल रहा है रन नीचे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ना कर पाए ऊपर यूजर, तो हम यहाँ पे आएगा आपके पास रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, एक कमा एक आएगी पॉलिसी और सेटिंग्स, नाम है उसका रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, चेक करो रिमूव, ये रहा एड रन है, रिमूव रन करना है मैं। ये रहा रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, इसको राइट क्लिक करो, अब ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, मैं इसको एनेबल कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो सेटिंग्स एनेबल करी, पहली सेटिंग कौन सी एनेबल करी, कंट्रोल पैनल में जाके कौन सी करी कि भाई हमारा जो तो यूजर है वो कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए, और दूसरी क्या करी, टास्क स्टार्ट मेन्यू में जाके रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, मतलब हमारा जो यूजर है वो रन कमांड भी एक्सेस ना कर पाए, देखो ये रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, हमने इसको भी डिसेबल एनेबल कर दिया, ठीक है, दो काम नहीं कर पाएगा आप यूजर, कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाएगा और रन कमांड एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो पॉलिसी है, जो मैंने पॉलिसी बनाई है, इसके सेटिंग्स जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने पॉलिसी को मॉडिफाई किया है, ये टाइम लेता है 120 मिनट्स का, बाय डिफॉल्ट 2 घंटे लगते हैं पॉलिसी को अप्लाई होने में। तो अगर आपको इमीडिएट पॉलिसी अप्लाई करनी है, आप चाहते हो कि भाई फटाफट से पॉलिसी अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये करोगे आप यहाँ पे सीएमडी में जाओगे अपने, ठीक है, और यहाँ पे कमांड चलाओगे जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ठीक है, ये पॉलिसी का ये कमांड है टू अप्लाई द पॉलिसी फोर्सफुली। अगर आप चाहते हो कि भाई फटाफट से पॉलिसी अप्लाई हो, तो क्या करो आप सिंपल जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कर दो और एंटर करो, और देखो ये क्या कर रहा है, अपडेटिंग कर रहा है पॉलिसी को, अपडेटिंग पॉलिसी, बाय डिफॉल्ट बहुत टाइम लेती है पॉलिसी अपडेट होने में, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली कमांड का यूज करेंगे, जो कंप्यूटर पॉलिसी से अपडेट कर दी, ऐसी ही यूजर पॉलिसी भी अपडेट कर देगा, और देन देखो यूजर पॉलिसी अपडेट हो गई आपकी, काम खत्म, पॉलिसी आपकी अपडेट हो गई, दैट्स इट। अब चेक करो, मैं विंडोज 10 पे गया, ठीक है, एक बार मुझे लॉग ऑन लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे आता हूँ, लॉग यूजर वन से एक बार साइन आउट करता हूँ और दोबारा से लॉग इन करता हूँ, अब फिर देखता हूँ इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो यूजर वन से पहले लॉग इन करते हैं एबीसी एंड विंडोज 3। अब देखो चेक करो, यहाँ पे मैं विंडोज आर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखा रहा है, देखो द दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मैं यहाँ पे रन कमांड एक्सेस नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है, देखो अगर चेक करो, यहाँ मैं लिखता हूँ रन, मुझे शो कर देगा रन, जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर दिखाएगा, क्योंकि मैंने ब्लॉक किया था कि भाई ये रन कमांड एक्सेस ना कर पाए। कंट्रोल पैनल चेक करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल पैनल आ गया, एंटर करोगे देखो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल एज वेल, क्यों, क्योंकि भाई मुझे रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि मैं कंट्रोल पैनल और रन कमांड एक्सेस ना कर पाऊं, और ये दोनों यूजर नहीं कर पाएंगे। अभी देखो मैं अभी कहां पे हूं, अभी मैं यूजर वन पे हूं, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर पाया, अब यूजर टू से करके देखते हैं एक बार, देखो हम यूजर टू पे लॉग इन करते हैं, अदर यूजर पर क्लिक करोगे, यहाँ लिखोगे यू टू एंड देन दोगे पासवर्ड, एंटर, पहली बार जो लॉग इन रहता है वो हाई हेलो करेगा, सो लेट्स वेट फॉर इट, ठीक है, आपका यूजर लॉग इन हो गया, ओके, आप चेक करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रन और ट्राई टू एक्सेस रन, तो ये रन में को एक्सेस नहीं होने देगा, एक मिनट मैं करता हूँ विंडोज आर, देखो मेरे को एरर दिखा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कंट्रोल पैनल ओपन की कोशिश करूं, कंट्रोल या अभी यहां से चेक कर लो एक बार, कंट्रोल पैनल यहां से भी देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल राइट क्लिक करो, ओपन करो, और देखो फिर भी आपको यहां पे एरर दिखा रहा है, तो इट मींस कि आपको जो दोनों यूजर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे दो यूजर्स थे उन पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ पे आप इस ITU का जो यूजर है आपके पे दोनों में पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। अब मान लो अगर मैं कोई और यूजर क्रिएट करता हूँ इसी ITU के अंदर, तो उस पर भी पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, मतलब जितने यूजर्स के अंदर ऐड करता जाऊंगा
उतने यूजर्स पे पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे U3 लॉगिन करके देखू, U3 एक बार बनाऊ यहाँ पे, देखो मैं मान लो मैं यहाँ पे यूजर पे गया, मैंने यहाँ पे U3 ऐड किया इसी इसी कंटेनर के अंदर, इसी मतलब OU के अंदर, ठीक है। यहाँ पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, देखो U3 आ गया। अब अगर U3 से लॉगिन करूं तो सेम रिजल्ट मेरे को मिलेगा U3 से भी। देखो U3 पे साइन आउट करते हैं U2 से और U3 से लॉगिन करते हैं, अदर्स U3, ठीक है, एंटर करो। देखो आपका लॉगिन हो रहा है U3 से, लॉगिन करते हैं पहले इसको फटाफट से, ठीक है। ये हमारा U3 लॉगिन हो गया, आप चेक कर सकते हो, स्टार्ट पे जाओ, देखो आपको दिखा रहा है U3, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करो रन कमांड, ठीक है, या आप इसको विंडोज आर प्रेस करो, तो देखो मेरे को यहाँ पे एरर दिखाया था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो कंट्रोल पैनल मेरे को एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कहने का मतलब ये कि आप जितने भी यूजर्स इसमें ऐड करते जाओगे उन पे ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती चाहिए। आज समझ में कैसे कैसे बनाते हैं ग्रुप पॉलिसी, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ग्रुप पॉलिसी को यूजर्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है एक्चुअल में, ठीक है।